Not gonna be paying this much of amount for this quality of camera. लेकिन SJ का मैं ऐसा कोई भी माइक अडेप्टर तुम्हें नॉइस रिडक्शन अडेप्टर साथ में नहीं मिलता. If you guys are planning to purchase any product of SJ Cam, so please, I would request you, please wait for a while. Watch this video till the end and उसके बाद तुम डिसाइड करना यार कि तुम्हें अपने जो पैसे वो इन्वेस्ट करने हैं इस कैमरा पे या नहीं. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइव रीजंस व्हाई यू गाइस शुड नॉट परचेज एनी कैमरा ऑफ SJ Cam. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा यार अपने SJ Cam प्रोडक्ट का जो मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ, SJ Cam एक्शन कैमरा का. सो मैंने ये परचेज किया है SJ Cam 8 Pro 1.5 ईयर बैक आई गेस. और इसका जो मेन मोटिव था ना इस कैमरे को लेने के पीछे वो था सिर्फ मोटो व्लॉगिंग करना. और अगर तुम लोग भी SJ Cam का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्शन कैमरा लेने वाले हो सिर्फ मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, सो ये पांच रीजंस जरूर देख लेना इस कैमरे को लेने से पहले. ओ बॉय, दिस छुटकू सा कैमरा हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ हार्ट अटैक, लिटरली स्पीकिंग यार. पिछले साल जब मैं रोहतांग सीरीज को शूट करने के लिए गया था, तो मैं मनाली से जब रोहतांग के लिए निकला था तो मुझे पूरा एंटायर जर्नी शूट करनी थी इस कैमरा से एज अ मोटो व्लॉग. लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो आई गेस 9-10 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ा सा यू नो ठंडी थी वहाँ पे. सो ये कैमरा फुल्ली हैंग्ड हो गया, कम से कम 10-15 बार हैंग हुआ है ये, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी. तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पावर बैंक इससे कनेक्टेड करके रखना पड़ा और तब जाके मैंने शूट की थी वो सीरीज़. और मैं माइक जो है वो अटैच नहीं कर पाया बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही स्लॉट है जहाँ से तुम माइक्रोफोन भी ऐड कर सकते हो और पावर बैंक भी. तो मैंने सिर्फ पावर बैंक ऐड करके रखा, माइक्रोफोन मैं ऐड नहीं कर पाया. सो वो उतनी अच्छी सीरीज़ नहीं बन पाई जितनी मैं चाह रहा था. तो यार रही बात ओवरहीटिंग की, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस में जो लिखा है इट कैन शूट अप टू 4K 60 FPS तक. बट लेट मी टेल यू वन थिंग यार, रियल टाइम एक्सपीरियंस, एक बार मैंने 2K में शूट करने की कोशिश की थी इससे, सो बॉस इट हीट्स लाइक अ हेल. बिफोर टेलिंग यू द रीज़न नंबर 2 व्हाई आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ SJ Cam एक्शन कैमराज, मैंने क्या सोचा कि तुम्हें बताने से अच्छा फील करवाया जाए व्हाई यू गाइस शुड नॉट बाय एनी SJ Cam कैमराज. तो तुम्हें फील करवाया जाए मोटो व्लॉग करते करते. सो इसलिए मैं अपनी बाइक भी ले आया हूँ और अपने SJ Cam को एज अ मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैंने हेलमेट पे माउंट भी कर दिया. लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यार रीजन नंबर 2 की. सेकंड रीजन इज व्हाई यू गाइस शुड नॉट परचेज दिस एक्शन कैमरा, ओवर प्राइजिंग एंड बैड क्वालिटी. आई मीन यार दिस SJ Cam 8 Pro कॉस्ट मी अराउंड 19,000 रुपीज व्हेन आई बॉट दिस कैमरा 1.5 ईयर्स बैक. और अभी मैं अगर इसका प्राइस चेक करूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे तो अराउंड 16,000-18,000 के बीच तुम्हें ये कैमरा मिल जाएगा. लेकिन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट दिस प्राइस, आई मीन ये प्राइस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है इस कैमरा के लिए. आई एम नॉट गोना बी पेइंग दिस मच ऑफ अमाउंट फॉर एनी SJ Cam प्रोडक्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सही में यार. और एक चीज़ तुम्हें और बताना चाहूँगा, SJ Cam 8 Pro की बहुत खासियत, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये टेप्स लगी हैं इस कैमरा पे. सो 2-3 बार मुझसे ये राइड करते हुए गिरा था. और इसकी जो इनबिल्ट क्वालिटी है, जो इसका यू नो मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, जो भी प्लास्टिक यूज़ हुआ है इसमें, उसकी क्वालिटी इतनी बेकार है कि 2-3 बार भी तुमसे ये कैमरा अगर गिर जाएगा तो मेरे कैमरे की तरह हालात हो जाएंगे तुम्हारे कैमरे की. सो Not gonna, you know, recommend you guys. मोटो व्लॉग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मैं हमेशा बोलता. लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूँ SJ Cam, अगर GoPro होता तो माइट भी मैं ऐसा बोलता. तो तीसरा रीजन व्हाई यू गाइस शुड नॉट परचेज SJ Cam एक्शन प्रो,
वो है इंस्टेंट पावर ऑन एंड पावर ऑफ बटन, जो कि GoPro में डेफिनेटली है यार। जैसे कि यार कभी भी मैं राइड पे होता हूँ ना, तो मुझे इंस्टेंटली कुछ शूट करना हो, जैसे ना फिक्शन ऑफ 5 to 10 seconds, सो तुम GoPro में क्या कर सकते हो ना, जस्ट वन क्लिक में तुम्हारा जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। बट SJ कैम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फोर्थ रीजन वुड बी वाइड एंगल। तो स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि SJ कैम का 8 प्रो का जो व्यू एंगल है वो 170 डिग्री है। बट जैसा कि तुम अभी देख पा रहे होंगे व्यू यार, ये वाइड एंगल तो डेफिनेटली है, बट ये अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, जस्ट लाइक अ GoPro। एंड व्हाई आई एम कंपेयरिंग दिस SJ कैम विद GoPro, बिकॉज सो GoPro भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इससे। फिफ्थ एंड सबसे लास्ट रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न को यू नो एक्सप्लेन करने के लिए यार मैं आ गया हूँ 5 मिनट की राइड करके सीधे स्टेट हाईवे पे, बिकॉज इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा यू नो थ्रॉटल देना पड़ेगा अपने बीस्ट में। और यू नो यार मोटो व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑडियो क्वालिटी है। जब तक तुम्हारी ऑडियो क्लियर नहीं होगी तब तक तुम अपना जो मैसेज है ना वो पूरे अच्छे तरीके से तुम्हारे व्यूअर्स को जो है कन्वे नहीं कर पाओगे। और यही प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SJ कैम में। GoPro में तुम देख पाते हो यार कि एक नॉइस रिडक्शन अडेप्टर तुम्हारे एक्सटर्नल माइक के साथ तुम्हें मिलता है, लेकिन SJ कैम में ऐसा कोई भी माइक अडेप्टर तुम्हें नॉइस रिडक्शन अडेप्टर साथ में नहीं मिलता। तो अगर तुम कभी भी SJ कैम में अपनी बाइक पे 40 से ऊपर स्पीड पे जाओगे ना, तो तुम्हारी वॉइस क्वालिटी की वाट लग जाएगी। और तभी यार, तभी मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने इस कैमरा को चेंज करूँ, बिकॉज क्या होता है ना यार कि 80-90 तुम्हारी जो स्पीड हाईवे पे वो कॉमन होती है, तो हर बार जब मुझे शूट करना है तो मुझे रोकना पड़ेगा, और उससे अपनी जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना वो तुम ठीक से नहीं दे पाते हो यार। सो तुम्हें मैं दिखाता हूँ यार कि कितनी ज़्यादा नॉइस 40 से ऊपर अगर मैं जाऊँ तो मुझे सहनी पड़ती है। यू नो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेरे को एफर्ट करना पड़ता है उसको कम करने के लिए, लेकिन वो फुल्ली कभी भी यू नो ख़त्म नहीं होती तुम्हारी नॉइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं स्टेट हाईवे पे तो आ चुका हूँ यार, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार कि कितनी ज़्यादा नॉइस जो है वो मुझे यू नो एडिट करनी पड़ती है, और फिर भी वो ख़त्म नहीं हो पाती यार। और पूरा जो एक्सपीरियंस है व्यूअर्स का वो यू नो वाट लग जाती है पूरे एक्सपीरियंस की। और इस पर कोई भी यू नो नॉइस रिडक्शन अडेप्टर नहीं है जैसा GoPro के साथ मिलता है। तुम थर्ड पार्टी किसी कंज्यूमर से ले भी नहीं पाओगे वो, बिकॉज SJ कैम के लिए कोई अडेप्टर, नॉइस रिडक्शन अडेप्टर बना ही नहीं है। सो अभी मेरी जो स्पीड है वो 20 है, सो तुम्हें साउंड क्वालिटी जो है वो कुछ ठीक ठीक आ रही होगी, बट जैसे ही मैं 40 से ऊपर जाऊंगा ना तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम्हें कुछ भी यू नो सुनाई नहीं देगा। तो देखते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ और आई नो कि तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज हवा से तुम्हारी बहुत लग रही होगी, पूरी नॉइस आ रही होगी कैमरा में। तो मैं बताऊँ इस रिव्यू के चक्कर में मैं कितनी अच्छी जगह पर आया हूँ यार अभी, और आई मीन इस प्यारी सी जगह में इवनिंग। हमें यार तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरी SJ कैम से कोई दुश्मनी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने फ्लॉज थे कैमरा में वाइल्ड राइडिंग मैंने ऑब्जर्व किए वो मैंने तुम्हें बता दिए। होपफुली SJ कैम इन फ्लॉज को आने वाले कुछ अपडेट्स में यू नो ठीक करेगा, तभी ये कम्पीट कर पाएगा जितने भी GoPros के कैमराज हैं, एक्शन कैमराज हैं। और मैं तो डेफिनेटली यार स्विच करने वाला हूँ ताकि तुम्हें अच्छी क्वालिटी मिल पाए अपकमिंग व्लॉग्स में, और मेरी काफ़ी लंबी लंबी राइड्स की प्लानिंग भी है, तो मैं इस SJ कैम कैमरा के साथ तो मोटो व्लॉग डेफिनेटली नहीं कर पाऊँगा यार, और ना मैं यू नो अपने व्यूअर्स को एक बेकार सा एक्सपीरियंस देना चाहूँगा वाइल्ड राइडिंग। सो होपफुली नया कैमरा कुछ टाइम में तुम्हें देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे, और तुम एंजॉय करोगे यार मोटो व्लॉग। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो तुम लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चैनल को, और अगर तुम्हें बने रहना है अपने मोटो व्लॉग्स के साथ तो देखते रहो यार तुम। आई एम अजय शर्मा, विल मीट यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी डिफरेंट, बी यूनिक। शुभ खैर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द मोटो व्लॉग के साथ।